वाराणसी से सूरज यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उत्साहवर्धन। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रहित में सामाजिक कार्यों में और लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में शुरुआत से लेकर अनलॉक होने तक अपना सहयोग दिया, ऐसे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संवाद करके उनका उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री द्वारा संवाद किए जाने से सभी लोग बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के हम जैसे लोगों के द्वारा राष्ट्रहित में किए गए प्रयास पर इतना ध्यान देते हुए अपने व्यस्त समय में से हम लोगों के लिए समय निकाला, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। लॉकडाउन के दौरान संस्थाओं के सामाजिक कार्यों की प्रधानमंत्री जानकारी प्राप्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस पूरे अभियान के दौरान इन लोगों को आने वाली कठिनाई और परेशानियों के बारे में भी बात किया। वाराणसी के बारे में यह प्रसिद्ध, काशी में कोई भूखा नहीं सोता। 100 से अधिक संस्थाओं ने लॉकडाउन में लगभग 20 लाख फूड पैकेट तथा 2 लाख राशन किट्स का वितरण किया। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के वासियों ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन को भरपूर सहयोग प्रदान किया। सहयोग और मानव सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने वाली ऐसी कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री जी, लॉकडाउन के दौरान यहाँ के सेवा कार्य करने वाले ऐसे सेवियों के बीच आज संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है, उनके स्वभाव में सामाजिक सरोकार, सामाजिक संवेदनाएं बसती हैं, उनके कार्य पद्धति में ये सब चीज़ें बसती हैं। तो जो लॉकडाउन में लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल के जन सेवा किया, उस अपने ऐसे संसदीय क्षेत्र के लोगों को उन्होंने आभार व्यक्त करने, उनसे संवाद करने, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया। आज बनारस में लगभग कितने ऐसे स्वयंसेवियों को जो गैर संस्थानों से जुड़ कर काम कर रहे थे, कितने ऐसे लोगों को सम्मानित किया, संवाद किया और बात किया? लगभग ऐसे 100 से ऊपर लोगों की लिस्ट थी, क्योंकि समय की बात देता थी तो 5-7 लोगों से ही बात कर पाए, और उनकी बात करने की इच्छा अधिक लोगों से थी, क्योंकि एक बड़े मात्रा में लोगों ने सेवा भाव किया, इसलिए लोगों के प्रति एक सांसद होने के कारण भी और काशी का एक नया स्वरूप दिख रहा है, उसके लिए भी वो लोगों से जुड़े और लोगों को संवाद करके माध्यम से कोई मास्क बांट रहा था, कोई सैनिटाइजर बांट रहा था, कोई भोजन घर से बना के बांट रहा था, ऐसे गरीब लोग भी थे जिनको अपने खुद खाने की वो नहीं थी, वो भी 5 से 10 किलो आटा देने का काम किए, सब्जी देने का काम किए, ऐसे तमाम लोगों ने अपने दिलों जान से सेवा की। ये कोरोना ने एक नई एकजुटता दिखाई।